आपने ये जो कहा कि भारत जो है, फिर भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि भारत अगर इस पथ से, इस रास्ते से जो उसने आज़ादी के बाद अपनाया था, या जो उसकी यहाँ पर उससे पहले से परंपरा रही है, अगर भारत उस रास्ते से हटता है तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ देगा। स्थितियां उससे भी बुरी हो सकती हैं। देखिए क्या है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो आर्थिक ताकत नहीं है बहुत बड़ी। भारत बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, उसका विस्तार और भारतीयों का विस्तार बहुत बड़ा है। तो और कई तरह के संसाधन भारत में हैं, तो भारत बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाएगा। अब आपने ये जो कहा, मैं दो तीन चीजें बोलूंगा सीधे सीधे। आपने कहा कि जो गुजरात में और मुंबई में मकान लेना मुश्किल हो जाता है धर्म के आधार पर, सच्चाई एक सच्चाई है ये, सच्चाई है ये, हाँ एक सच्चाई। एक दिलचस्प किस्सा मुझे ध्यान है। एक लेखक हैं, वो एक खास इलाके में मकान चाहते थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, प्रॉपर्टी डीलर हिंदू था, उससे उन्होंने कहा इस इलाके में मकान चाहते हैं। तो उस इलाके की भौगोलिक स्थिति ये थी कि सड़क के एक तरफ हिंदू थे, बीच में एक सड़क गुजरती थी, दूसरी तरफ मुसलमान रहते थे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे पूछा, ये बताइए आपको भारत में मकान चाहिए या पाकिस्तान में? यानी उन्होंने उस इलाके को उस तरह से बांट रखा था, जो मुस्लिम इलाका है उसको पाकिस्तान कह रहे थे, जो हिंदू इलाका है उसको मुसलमान कह रहे थे। लेकिन ये बात कई साल पहले की है। अब की स्थितियां जो हैं वो इससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी हैं। अब जो स्थिति है उसमें अल्पसंख्यक होना, या सीधे सीधे बोले कि मुसलमान होना, एक गुनाह की तरह से बना दिया गया है। आपको मकान नहीं मिलेगा ये तो छोड़ दीजिए, आपको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। आपको ऐसे गांव हैं जिनके बाहर ये लगा दिया गया कि यहाँ मुसलमान व्यापारी ना आए, या ऐसे ऐसे मेले हैं, ऐसे समारोह हैं धार्मिक, जिसमें मुसलमान दुकानदारों को का बहिष्कार ऑफिशियली कर दिया गया, उस संस्था द्वारा कर दिया गया जो यह आयोजन करती है। अब वो अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते हैं, उसको लेके भी विरोध है। और जो उनके समर्थन में जाए और या जाता दिखे, अब हल्दीराम की क्या गलती थी, उसके एक पैकेट पे उर्दू में लिखा हुआ था तो उसका भी विरोध हो गया। भारत के तो नोटों ये के ऊपर तो 20 लैंग्वेज लिखी हुई है, करेंसी नोट पे। तो ये जो अच्छा, एक पुलिस वाली आपने बात की थी, पुलिस वाली बातों को वैसे जो है सेंगर जी बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि सेंगर जी का हाशिमपुरा का जो अनुभव है, बल्कि हमने बहुत सारी चीजें उनसे समझी और सीखी हैं। लेकिन मैं एक दूसरी तरह से, दूसरे उदाहरण से इसे बताना चाहूंगा कि समस्या कहाँ और कैसे आती है और कैसे विकसित होती है। मसलन मान लीजिए कि एक महिला है जो रेप पीड़िता है, वो पुलिस के पास जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस उसे जो है हमदर्दी की नजर से पुलिस वाला देखेगा। पुलिस वाला ये देखेगा कि नारी का जो सशक्तिकरण हो रहा है उसके खिलाफ एक अपराध है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो थाने में जाती है तो पुलिस उसे उसी नजर से देखता है जिससे जिस नजर से उसे बलात्कार करने वाले ने देखा था। या दूसरा उदाहरण दूं कि अगर दलित उत्पीड़न की घटना होती है और वो जब थाने में पहुंचती है तो वहां जो पुलिस वाला है वो उसे जो है समानतावादी या बराबरी वाले दृष्टिकोण से नहीं देखता है, वो उसे जातिवादी दृष्टिकोण से ही देखता है, वो उसे सवर्ण या जिस भी जाति का हो उस दृष्टिकोण से देखता है। तो हमने अपने जो पुलिस बल हैं उनको इन चीजों के प्रति ना तो संवेदनशील बनाया है, ना संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके प्रति उत्तरदायी बनाया है। तो होता यह है कि जब सांप्रदायिक मुद्दा उठता है तो पुलिस वाला या पुलिस बल जो है उसे धर्मनिरपेक्ष नजरिए से नहीं देखता है, उसे इस नजरिए से नहीं देखता है कि उसे कानून व्यवस्था का पालन कराना है, वो खुद सांप्रदायिक ढंग से उसे देखता है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे वीडियो भी आए हैं कि पुलिस वाले जिस समय दंगा हो रहा था क्या कर रहे थे। तो
तो ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और इसमें, और ये हमेशा से है, इसमें एक नई चीज ये जुड़ गई है। पुलिस का एक काम ये होता है कि वो जो सरकार है उसकी इंटेंशन का ध्यान रखे, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके पास निर्देश हो, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि सरकार जो है उस तरफ देख रही है तो हमें भी उस तरफ देखना है। तो इसने बहुत सारी चीजें गड़बड़ा दी हैं, उसकी वजह से जो दंगे होते हैं, जो तनाव के माहौल होते हैं, उसमें पुलिस की भूमिका बदल जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं जी, कि दंगा कराने वालों ने रामनवमी के दौरान ये किया कि वो शोभा यात्राएं उन मोहल्लों में ले गए जो कि मुस्लिम मोहल्ले थे जी, और बिना अनुमति के ले गए, कुछ जगह तो अनुमति भी दे दी गई। अब अगर वो उस इलाके में जा रहे हैं तो पुलिस उससे पहले उन्हें रोक सकती है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुलिस उन्हें रोक दे, वहां ना जाने दे, डाइवर्ट कर दे, दूसरी जगह भेज दे, कुछ भी कर, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। तो ऐसा किया नहीं जाता यानी पुलिस जो है, पुलिस बल जो, जिसको कि हम चाहे मानते हैं कि ये शांति स्थापित करने की कोशिश करेगी, ये जो उस वैमनस्य है, ये जो उस तनाव है, उसमें एक सहयोगी की भूमिका अदा करने लगती है।